who was your mentor in the field of law? फील्ड ऑफ लॉ में मेरा मेंटोर है सच कोई भी नहीं है. हाँ, मेरा कोई मेंटोर नहीं है. अच्छे लोगों से बिल्कुल मुलाकात हुई, बहुत से अच्छे लोग मिले और उनसे इंटरेक्शन भी रहा और उनसे बहुत मदद भी मिलती थी. और हमसे जो सीनियर लोग थे वो बहुत हेल्पफुल थे. और ख़ास तौर पे मैं मेंशन करूँगा इजाज़ बटालवी साहब को कि जब मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की, कुछ अर्सा गुज़रा और फिर मैं लॉ अफसर बन गया, मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बन गया और मैं अपने अर्ली थर्टीज़ में था कि मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल बन गया. तो जब मैं बन गया तो वो सीनियर पोजीशन होती है रिलेटिवली. तो मेरे साथ जो थे वो मुझसे उम्र में सारे ही कोई 10-10 साल बड़े थे, कोई 15 साल बड़ा था, कोई 20 साल बड़ा था. तो उस वजह से मुझ पर इन वे एक प्रेशर भी था कि लोग ये ना समझें कि भाई ये ऐसे ही आ गया है, और मुझे अपने आप को प्रूव भी करना था. तो बिल्कुल कोशिश की, मेहनत भी की और फिर अल्लाह ने मेहरबानी भी की और फिर अच्छे केसेस भी किए. तो एक दफ़ा मुझे याद है मैं हाई कोर्ट में केस कर रहा था और जब मैं केस करके निकला और अपने कमरे में गया तो मेरे पीछे पीछे एक बुज़ुर्ग वकील जो है वो मेरे कमरे में आ गए और मैं उनको देख के काफ़ी हैरान हुआ. मैंने कहा सर आप मेरे पास? तो कहने लगे हाँ मैं तुमसे सीखने आया हूँ. तो मैंने कहा जी सीखने आप आए हैं? सीखने तो मैंने आपके पास आना था, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप कैसे सीखने आ गए हो? उन्होंने कहा नहीं इरफान ऐसी बात नहीं है, इस प्रोफेशन में हर कोई किसी एक दूसरे से सीखता है, सारा कानून किसी को नहीं आता, आपने एक प्रोपोजिशन पे काम किया हुआ है और उसमें मेरा फ़ायदा और वो मैं आपसे पूछने आया हूँ. तो वो थे इजाज़ बटालवी साहब. तो उनके ये चंद मीठे जुमले, अच्छे जुमले जो थे इनक्रेजिंग, तो उससे बहुत इंक्रेजमेंट हुई और उसके बाद फिर बड़े साल मेरा और उनका इंटरेक्शन रहा. और अक्सर वो जब बैठे होते थे सैटरडे वाले दिन अपने दफ्तर में सुबह के वक्त, क्योंकि उस दिन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, तो सुबह सुबह वो मुझे फ़ोन करते थे कि इरफान किधर हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के बैठा हुआ हूँ, तो आ जाओ. तो मेरा दफ्तर चूँकि उनके करीब था तो फिर मैं बटालवी साहब के पास चले जाता था और फिर उनकी संगत में उनके दो तीन और दोस्त थे, एक वकील साहब थे इलियास खान साहब, वो भी वहाँ आ जाते थे उस दिन, और एक ये मियां निसार साहब थे, जज थे, बाद में ये वकालत करते रहे, और वो थे, और एक ख्वाजा सुल्तान साहब थे, तो वो भी उस वहाँ बैठते थे. और फिर हम तकरीबन एक सवा घंटा एक घंटा उनकी एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू भी सुनते थे, हंसी मजाक भी होता था और कुछ थोड़ी बहुत शेर व शायरी बटालवी साहब भी करते थे, दूसरे भी करते थे. और मैं चुप करके उनकी बातें ज़्यादा सुनता था, मैं ख़ुद कम बोलता था लेकिन शायरी का शौक़ मुझे भी था, मैं अपने शेर ज़रूर लिखता था लेकिन उनके सामने हिम्मत नहीं करता था कि मैं ज़्यादा एक हद से ज़्यादा बात करूं. और मैं चुप करके उनकी बातें सुनता था. और मुझे याद है कि वो जो बुज़ुर्ग थे सारे, उन सब से मुझे बहुत शफकत मिली और बड़ी इनक्रेजमेंट मिली. जी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े. सबसे पहली बात तो ये थी कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज एडिशनल एडवोकेट जनरल, जैसे मैंने कहा मैं यंग था जी, तो बहुत अपोजिशन हुई और एक आम तासर उभरा कि भई ये इसलिए बन गया है कि इसके जो ससुर हैं जस्टिस असलम रियाज हुसैन, वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं और इस वजह से इनको बना दिया गया. मेरे बारे में ये तासर था. ये भी हकीकत है कि जज साहब बिल्कुल चाहते थे कि मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल बनूं, लेकिन मेरे बनने में उनका हाथ कोई नहीं था. वो मैं अल्लाह की तरफ से वो मैं बन गया. मैं ये नहीं कहता कि मैंने उसमें कोशिश नहीं की थी, मेरी भी कोशिश थी और मैं चाहता था बनना, और अल्लाह का शुक्र है कि वो कोशिश कामयाब रही. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जी खुद बखुद हर चीज़ मेरिट पे होती है तो पाकिस्तान में नहीं होती. तो जब मैं बन गया और जब इतनी अपोजिशन थी तो फिर मुझे अपने आप को साबित भी करना था. तो मुझे अभी भी याद है कि उन दिनों में एक जज साहब थे, जब उन्होंने मुझे चैम्बर में बुलाया तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा. उन्होंने कहा आपने अपने आप को देखा है? तो मैंने कहा जी मैंने देखा है.
तो उन्होंने कहा आप इतने यंग हैं या आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको नहीं बनना चाहिए था, आप इसके अहल ही नहीं हैं, उन्होंने मुझे ये कहा। और फिर मैं उनकी डांट खा के चुप करके अपने कमरे में आ गया और खामोश रहा, लेकिन उससे मेरा रिजॉल्व कम नहीं हुआ। मुझे ये पता था कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो ये जो भी इम्प्रेशंस हैं मैं इनको ज़ाहिल कर सकता हूँ, और बड़ी जल्दी अल्लाह का शुक्र है कि वो इम्प्रेशंस भी ज़ाहिल हुए। और फिर उन्हीं जज साहब ने मुझे ख़ुद बुला के कहा कि नहीं, मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल इस पोजीशन के अहल हैं, और उस वक्त मुझे जो इम्प्रेशन था वो सही नहीं था और मैं आपसे बड़ा मुतासर हूँ, तो उनकी मेहरबानी थी, उससे मज़ीद कॉन्फिडेंस हुआ। तो इस तरह के केसेस में, फिर केसेस में कई दफ़ा फ्रिक्शंस भी हुआ करती थी। आई रिमेंबर एक दफ़ा लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच बैठा एक केस में, जिसमें 195(1)(c) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और उसकी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व थी, और उसकी इंटरप्रिटेशन के दौरान जजेस एक व्यू ले रहे थे और मेरा व्यू डिफरेंट था। तो मुझे कन्फ्रंट किया गया इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है। तो मैंने चूंकि उस पर स्टडी किया हुआ था तो मैंने कहा जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है उनकी अपनी पार्लियामेंट ने भी नहीं माना, और लिहाजा चूंकि वो जो तशरी उन्होंने की थी वो कानून की रूह के मुनाफी थी, तो उन्होंने फिर कानून ही बदल डाला हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान तो कभी पाकिस्तान की रूलिंग्स की तरफ नहीं देखता इस तरह से, लेकिन हम उनकी रूलिंग्स को इतना सैक्रोड समझते हैं बावजूद इसके कि हिंदुस्तान हम उन ये रूलिंग्स को इतना सैक्रोड सेंट समझते हैं बावजूद इसके कि हिंदुस्तान हमारी रूलिंग्स की तरफ नहीं देखता। तो लिहाजा जज साहब को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे कि क्या आप समझते हैं कि आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़े जूरिस्ट हैं। तो मैंने उस पर जवाब दिया, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ये नहीं समझता, लेकिन हमें मंतक को नहीं छोड़ देना चाहिए इसलिए कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। तो उस पर वो जज साहब काफ़ी नाला हुए, काफ़ी नाराज़ हुए, वो सीनियर जज थे। तो मुझे याद है कि उसके बाद कोई 2-3 घंटों के बाद जो नेक्स्ट सीनियर जज से उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं आपका बुज़ुर्ग हूँ, ये हकीकत है कि आप जो भी कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी सेटअप में अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस करनी है तो जजेस जो हैं बड़े सेंसिटिव हो जाया करते हैं, उम्र में चूँकि ये बड़े होते हैं तो ये सेंसिटिविटीज़ इनकी ज़्यादा होती हैं, तो आइंदा से कम अज़ कम ये है कि अगर आपको लगे भी कोई जज गलत है तो आप बात इस तरह से करें जिस तरह से कि उनको कुछ फील ना हो, वो गुस्से में या तैश में ना आए, लेकिन आपने बात ठीक की है और मैंने इसीलिए आपको बुलाया, लेकिन आइंदा से ज़रा थोड़ा सा अपने मिजाज में आप इसमें मज़ीद नरमी पैदा करें, बात आपकी ठीक थी। तो वो भी बड़े अच्छे जज साहब थे, उनका मैं अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के चैलेंजेस जो थे वो बिल्कुल आए और डिफ़िकल्ट केसेस हुआ करते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी यंग एज में मैंने केसेस किए और मुझे बहुत सारे केसेस याद हैं, स्पेसिफिक्स याद हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो आपकी बात समा खराशी होगी अगर मैं उन केसेस में चला गया। तो सिर्फ एक केस का तस्करा कर दूँ, ये ज़ियाउल्लाह केस था, और इस केस में इशू ये था कि अगर कानून जो है वो रिपील हो जाए किसी ऑर्डिनेंस से, कोई एक्ट रिपील हो जाए ऑर्डिनेंस से, तो वो ऑर्डिनेंस से रिपील हो तो ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो है 4 माह होती है, तो जब ऑर्डिनेंस ख़त्म होता है तो क्या वो अमेंडमेंट भी ख़त्म होगी कि नहीं होगी। तो उस पे बड़े डिटेल्ड आर्गुमेंट्स हुए थे। सर कोई ऐसा कानून जो आप चाहते हैं कि एब्रोगेट हो जाए इस वक्त? एब्रोगेट तो मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा कि बहुत सारे कानून में तरमीम की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तरमीम की ज़रूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे कि एक ज्यूरिसडिक्शन जिसको कि हम 1843 की ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है, और हज़ारों लोगों को उन्होंने वहाँ से अपने ओहदों से हटाया, नौकरियों से हटाया, पार्लियामेंटेरियंस को डिसक्वालीफाई किया और हज़ारों लोगों के खिलाफ फैसले किए हैं, ना उनको सुना गया है, ना वो पार्टी थे और ना उन्हें राइट ऑफ अपील दी गई है वहाँ पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी रिट्रोग्रेसिव है, और दौरे जाहिलिया में भी इस किस्म की ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं थी वहाँ पे भी, और इवन आज भी एक दहशतगर्द को, एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को, एक उस शख्स को जिसने कोई डिकॉटी की है या बड़े से बड़ा ऑफेंस किया है, उसको भी राइट ऑफ ट्रायल है, राइट टू नोटिस है,
ही उसको अनहर्ड कंडेम नहीं करते आप, फिर उसको अपील अवेलेबल है, फिर उसको लीव टू अपील अवेलेबल है, फिर वो क्लेमेंसी पिटीशन तक सदर पाकिस्तान को कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह के पूरी पूरी हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट ने गिराई हैं, वज़रा आज़म को हटा दिया, उनको कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसको जो आइन की असल रूह है उसके मुताबिक ढालना चाहिए, जहाँ पे के फेयर ट्रायल का एलिमेंट जो है वो भी ज़्यादा वेल इंट्रेंच्ड हो, और फिर राइट ऑफ अपील भी हो, और जजेस के जो कंटूर्स हैं जो कि शायद लूज रखे गए थे और जिसको इन्होंने खुद ही स्ट्रेच किया है, इनको इनके दायरा इख्तियार के अंदर रखा जाए, ना कि ये इंतज़ामिया पे भी हावी आ जाए और ये पार्लियामेंट पे भी हावी आ जाए। मैं समझता हूँ अशद ज़रूरत है जुडिशल रिफॉर्म्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की पाकिस्तान में। Sir, you माई एक्सपीरियंस इन नैब वॉज एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। शुरू में जब मैं वहाँ गया तो मैं तो एक लॉयर था, तो लॉयर उस तरह से, उस रेजिमेंटेशन से नहीं गुज़रते जिस रेजिमेंटेशन से हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग गुज़रते हैं। क्योंकि उस वक्त नैब, जब मैं 2003 में प्रोसिक्यूटर जनरल बना था, तो नैब जो थी वो एक सिटिंग जो लेफ्टिनेंट जनरल थे फ़ौज के जो इन यूनिफॉर्म थे वो उसको हेड करते थे, और उसके साथ हमारे जो डायरेक्टर जनरल्स थे वो पाकिस्तान आर्मी से भी थे मेजर जनरल रैंक के, और वहाँ पे एयर मार्शल्स भी थे, और वहाँ पे एडमिरल्स, नेवी के रियर एडमिरल्स भी थे। तो इस तरह का कम्प्लेक्शन था कि पाकिस्तान की जो तमाम फोर्सेज हैं, मेरा उन तमाम से इंटरेक्शन रहता था, और वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। क्योंकि हमारा, आपको पता है कि वकला का तो उस तरह से वो डिसिप्लिन या वो रेजिमेंटेशन हम में नहीं होती, और उनका ये था कि हर चीज़ जो थी वो बड़े स्पेक एंड स्पैन और बड़े डिसिप्लिन के साथ होती थी, और वो सोचते थे एक चेन ऑफ कमांड के अंदर। मेरा ये था कि मैं सोचता था एक चेन ऑफ रीजनिंग के अंदर। मैं समझता था कि इट इज़ द रीज़न विच मस्ट प्रिवेल। उनका ख्याल था कि रेजिमेंटेशन का तकाजा है कि जो ऊपर वाले ने बात कर दी तो वो सही है। तो उस इंटरेक्शन में मैंने उनसे बहुत सीखा, और कोशिश की कि वो भी मेरा नुक्ता समझें, और वो भी मेरी बातें समझ जाते थे, और हमारे डिफरेंसेस भी होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने उनको ये बावर करा दिया था कि लॉ में सिर्फ रीज़न चलता है, रीज़न के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मैंने जिन जर्नैलों के साथ भी काम किया वो बिल्कुल रीज़न के साथ जाते थे, वो अच्छे लोग थे, रीज़नेबल लोग थे, और उनको आपने सिर्फ ये यानी बावर कराना होता था कि भई आप जो भी चाह रहे हैं वो नेक नियति से आप ये चाह रहे हैं। तो वो जब कन्विंस हो जाते थे कि भई ये जो राय दी है इसने नेक नियति से दी है, तो वो कभी इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे, खा वो उनकी राय के बरक्स क्यों ना हो। तो वो नैब के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। और ये जो आपने कहा कि फंक्शंस क्या थे एज प्रोसिक्यूटर जनरल, तो सबसे पहला फंक्शन तो ये था कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज या प्रोब्स वो हमारे पास आती थी, उसमें मैं अपना लीगल इनपुट देता था। और उसके बाद जब रेफरेंस बनता था तो रेफरेंस की हम स्क्रूटनी भी करते थे। और उसके अलावा फिर इंटरनेशनली बहुत सारे मामले मुल्क से बाहर चल रहे थे, तो मुझे मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से भी मेरा एक रोल था। और फिर पाकिस्तान से बाहर जब दूसरी ज्यूरिसडिक्शंस में इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ पे फिर मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत रोल भी प्ले किया। फिर उसके अलावा बहुत सारे जो सेमिनार्स होते थे जो यूनाइटेड नेशंस कराता था, और वर्कशॉप्स होते थे जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज़ कराती हैं, तो वो भी मैंने अटेंड किए। और फिर यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो उसके तहत दुनिया की जो तमाम एजेंसीज़ हैं उनकी यूएन मॉनिटरिंग भी करता है कि वो अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शंस में करप्शन के ख़िलाफ़ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उन दिनों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, और मुझे याद है कि 2006 तक नैब जो है तकरीबन 132 बिलियन रिकवर कर चुका था। और नैब के कानून में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, और वहाँ पर जो नैब का इदारा है उसको चेयरमैन नैब हेड करते हैं, और जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उसे प्रोसिक्यूटर जनरल हेड करते हैं।
तो वहाँ पे लिखा हुआ उस कानून में कि प्रोसिक्यूटर जनरल शैल होल्ड एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, तो ये मुझे चेयरमैन को भी बताना पड़ा था तब, जर्नैल साहब को। उनको शुरू में तो ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने उनको आराम से समझाया तो वो समझ गए थे। और अगर चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइल कर देते हैं और वो रेफरेंस जो है वो ट्रायल वर्दी नहीं होता, तो प्रोसिक्यूटर जनरल के पास इंडिपेंडेंट इख्तियार है कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की कॉन्सेंट से वो रेफरेंस वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। और मैं पहला प्रोसिक्यूटर जनरल था जिसने के कुछ रेफरेंसेस विड्रॉ किए थे जो कि फाइल नहीं होने चाहिए थे, और उस पर बिल्कुल चेयरमैन नैब जो है वो हर दफ़ा मेरे से मुत्तफिक थे, और हमारा वहाँ पे कोई ऐसी फ्रिक्शन नहीं थी। और नैब ने तब बहुत अच्छा काम किया था, और सबसे जो बड़ा काम नैब ने तब किया था वो ये किया था कि हमारे जो बैंक्स थे, लोगों ने जो बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए थे, बैंक डिफ़ॉल्ट्स जो थे, उसमें बैंक्स को बहुत हद तक उन्होंने रिहैबिलिटेट किया था। जी सर, हाउ डू यू सी ये जो रिसेंट फैसला है नैब कोर्ट का नवाज शरीफ के बाद 7/11 का, जी ये आप को क्या समझते हैं कि कैसा फैसला है? ये जो फैसला है इसमें सियासी पहलू ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं और लीगल पहलू कम नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें आपने देखा होगा कि पनामा केस जो है पहले तो सुप्रीम कोर्ट में चला, और जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो सारे मामले की तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, फिर 3 जजेस, फिर 5 जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तफ्तीश डायरेक्टली की। और उसके बावजूद, इतनी तफ्तीश के बावजूद, जब 2 जजेस ने यह फैसला दे दिया तो बाकी 3 ने कहा कि नहीं, अभी मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है और अब GIT बनाई जाए। फिर एक GIT बना दी गई। तो पहली बात तो मैं आपके ये गोशगुजार करूं कि GIT तो कभी पाकिस्तान में किसी केस में बनी ही नहीं। ये इख्तियार अदलिया का है ही नहीं कि वो GIT बनाए। स्टैट्यूट्स में किसी को भी इन्वेस्टिगेशन करने का अगर इख्तियार है तो वो अदारे हैं जो कि मुख्तलिफ अफेंसेस के बारे में इख्तियार रखते हैं, सिर्फ वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कोई इन्वेस्टिगेट, अदलिया इन्वेस्टिगेट नहीं करती। तो यहाँ पे ना सिर्फ कि अदलिया ने ख़ुद इन्वेस्टिगेट किया, बल्कि अदलिया ने आगे एक ऐसी पावर तफवीज़ कर दी उसको, या एक ऐसा फंक्शन दे दिया GIT को जिसका कि अदलिया को भी इख्तियार नहीं था। और उसके बाद फिर अदलिया ने ख़ुद ही ऑर्डर दे दिया चेयरमैन नैब को कि ये रेफरेंस आप फाइल कीजिए, और रेफरेंस फाइलिंग का ऑर्डर दे दिया कि आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें, जबकि सेक्शन 18 के तहत रेफरेंस फाइलिंग एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है चेयरमैन नैब का, और वो उन्होंने उस वक्त फाइल करना है जब चेयरमैन नैब ये समझें कि, वहाँ लफ्ज़ लिखा है कि जब चेयरमैन नैब समझें कि इट इज़ इफ़ यू सेटिस्फाइड दैट इट इज़ जस्ट एंड प्रॉपर, ओनली देन अ रेफरेंस शैल बी फाइल्ड आफ्टर अप्रेजमेंट ऑफ द एविडेंस। यानी तमाम शहादतें जो आई हैं उनको परखने के बाद चेयरमैन नैब अगर समझेंगे कि ये एक जायज़ चीज़ है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे करती है, तो फिर रेफरेंस फाइल करेंगे, ऐसे नहीं रेफरेंस फाइल करेंगे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कानून के मुताबिक नहीं था बल्कि गलत था। इसी तरह से जो चेयरमैन नैब ने फौरन रेफरेंस उनके कहने पर फ़ाइल किया, चेयरमैन नैब ने भी कानून को फॉलो नहीं किया और कानून के बरक्स अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मामला भेज दिया, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन हालात में अंडर इमेंस प्रेशर मुझे महसूस हुआ कि था, और लिहाजा उन्होंने न सिर्फ कि उसमें फ़ैसला अंडर प्रेशर दिया, बल्कि जो बाकी 2 रेफरेंसेज हैं वो अब वो सुनना नहीं चाह रहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज साहब, क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि उनको मज़ीद एम्बेरसमेंट में वो अपने आप को डालें। सर, आपने जो प्रेशर की बात की, प्रेशर किस साइड से था? ये प्रेशर था ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी ना। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं डायरेक्शन दे सकता। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का हाइस्ट कोर्ट है, दूसरी तरफ लॉ है। अब वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज साहब हैं वो बेचारे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, दूसरी तरफ कानून खड़ा है, तो वो तो सैंडविच हो गया ना बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो वो बेचारे इसमें क्या करते फिर? इसमें लोग एस्टैब्लिशमेंट का भी बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी हाथ है कि उनका भी ताल्लुक बीच में चल रहा है। अब ये जो एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है ना, ये चेमा गोइयों पर होती है, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता क्योंकि वो तो अनसीन चीज़ है ना एस्टैब्लिशमेंट। तो लिहाजा एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं तो वो फैक्ट्स देखूंगा या वो कानून देखूंगा जिसकी वायलेशन हुई है, वो मैंने आपको बता दी है,
अब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं कहूँ कि मेरे पास कोई एविडेंस है, वो बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि ये सारी चीज़ के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक एहसास ही है, वो कितना रियल है कितना नहीं है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। सर आपके डिसमिसल के एज अ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑर्डर है कोर्ट का, उसकी क्या वजूहात बनी? जी कोई डिसमिसल ऑर्डर नहीं था वो। अच्छा। वो बिल्कुल डिसमिसल ऑर्डर नहीं था, वो डिसमिसल तो बड़ा डेरोगेटरी वर्ड होता है, वो ये था कि जो शख्स एक दफ़ा प्रोसिक्यूटर जनरल बन जाए वो दोबारा नहीं बन सकता। अच्छा। वो फैसला गलत था, वो बदनीयती पे मबनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्योंकि NRO केस जब चल रहा था और जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल बना तो एक जज था जवाद ख्वाजा, तो पहली दफ़ा जब NRO की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडिंग्स हुई तो जब मैं जाके उनको जब मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए तो उस वक्त उन जज साहिबान को महसूस हुआ कि भाई ये इरफान कादर के होते हुए तो जिस तरफ हम इस मामले को लेके जाना चाहते हैं हमारे लिए नामुमकिन होगा। तो उन्हीं दिनों में मेरी अपॉइंटमेंट चैलेंज हो गई कि जी ये बैंक ऑफ पंजाब का केस कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने रिलीफ्स लेके दी थी और कुछ वकला के नाम आए जिसमें कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा वसीम सज्जाद साहब इनके नाम आए कि इरफान कादर ने इनको भी वकील करा के तो बड़ी बड़ी फीसें ली और जजों के नामों की फीसें ली। तो मुझे वो डराने की कोशिश की गई, काउ डाउन करने की कोशिश की गई, तो मैंने सिंगल हैंडेडली वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं पेश हुआ और मैंने सुप्रीम कोर्ट को दो टोक अल्फाज में कहा था, मैंने कहा था जी मैं अभी टेक्निकलिटीज़ पर तो आता हूँ लेकिन सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा जो मेरे ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगी हैं, क्योंकि जब मेरी रेपुटेशन की बात आती है तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इसके बारे में। और फिर जब मैंने वो सारे एस्पेक्ट्स पे एड्रेस किया तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, और उस वक्त अगर आप अखबार उठा के देखें तो हेडलाइंस आई थी डॉन की, मुझे अभी भी याद है, प्रोसिक्यूटर जनरल टेक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो उस वक्त जब मैंने उनको क्लियर किया फीस का सारा तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाचे जब फैसला लिखा तो 50 सफ़े सिर्फ इस बात के लिखे कि वो ख्वाजा हारिस इरफान कादर की इंटेग्रिटी के बारे में ये कहता है ये कहता है ये कहता है, और 50 सफ़े लिखने के बाद मेरे जवाब को तो सही तनाजर में पेश नहीं किया लेकिन इतना लिख दिया कि ये जो चीज़ें हैं हम इसमें नहीं जाएंगे। भाई अगर आपने इसमें नहीं जाना था तो आपने 50 सफ़े क्यों लिखे? तो वो बिल्कुल बदनीयती पे मबनी ऑर्डर था, और अगले 10 सफ़े सिर्फ एक जुमले पे लिख दिए, उसमें लिखा हुआ था कि प्रोसिक्यूटर जनरल शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो मैंने तो ऑफिस होल्ड ही फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स किया था, ये कहाँ लिखा था कि वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता? ये तो लिखा ही नहीं था। उसको उन्होंने कहा कि ये जो इरफान कादर की जो पहली अपॉइंटमेंट है ये उसकी एक्सटेंशन है, ये उसकी एक्सटेंशन भी नहीं थी क्योंकि इस अपॉइंटमेंट में और उस अपॉइंटमेंट के दरमियान हलाला हुआ था, हलाला इन द सेंस के वो दानिश्वर मलिक प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए थे। तो ये सरीहन बेईमानी की थी सुप्रीम कोर्ट ने और मुझे कोई आर नहीं है, और ये बदनीयती पे मबली फैसला था, और मैंने रिव्यू उसी वक्त फाइल कर दिया था, इतने साल हो गए हिम्मत ही नहीं उनको पड़ी कि वो रिव्यू लगाते। तो ये मैं समझता हूँ कि लेकिन अल्लाह ने मुझे उसके बाद फिर इतनी तरक्कियाँ दी कि मैं अब अगर वो रिव्यू लगेगा भी तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो फैसला अगर आप मेरा रिव्यू सिर्फ पढ़ लें तो आपके लिए भी इट विल बी अ बिग एजुकेशन। रिव्यू के स्टार्ट में मैंने लिखा था कि ये फैसला गलत है और मैं बिल्कुल आई एम नॉट ऑब्लाइज टू फाइल अ रिव्यू, स्टिल आई एम फाइलिंग अ रिव्यू क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अपनी गलतियों को दुरुस्त कर ले ताकि कोर्ट जो है स्कैंडलाइज ना हो। और मैंने ये ऑर्डर माना भी नहीं था, और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं गैर कानूनी है, एज प्रोसिक्यूटर जनरल मैंने कहा था कि ये गैर कानूनी है, और मैं वहाँ बैठा रहा था और एक साल के बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफे में ये बात लिख दी थी कि ये ऑर्डर गलत था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सिर्फ इसीलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है मैं उसको बचाना चाह रहा हूँ और मैं अपनी कुर्बानी देके जा रहा हूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ज़्यादा तजलील ना हो। ये लिखा हुआ उसमें, मेरे इस्तीफे में भी लिखा हुआ। तो दिस इज़ ए ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख को बहुत ख़राब किया इस तरह के फ़ैसलों से, और जब भी उन्होंने इस तरह के फैसले किए
वो उस पे नुकसान जो है वो मैं समझता हूँ अदालत का हुआ है और किसी का नहीं हुआ। जी सर, यू वर अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ लॉ मिनिस्ट्री, हाउ वाज योर टाइम? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली मैं कानून मुझे वैसे ही पसंद है, उसमें रीजनिंग करनी होती है, चीज़ें रीजन आउट करनी होती हैं, कुछ कॉमन सेंस होता है, कुछ लॉजिक होता है, कुछ रैशनैलिटी को परसू करना होता है, फिर एक इंसाफ का आंसर जो है सामने रखना पड़ता है। तो वो लॉ मिनिस्ट्री में बहुत से मैटर्स मेरे पास आते थे, फिर लॉ मेकिंग जो होनी थी या जो नए कवानीन बनने होते थे तो वो तमाम चीज़ें आती थी, तो वो मैं बड़े गौर से देखता था और मैं अपने व्यूज़ भी देता था, नोट्स भी लिखता था। और मेरा एक बहुत बड़ा मकसद वहाँ पर यह भी था कि मैं सरकारी अफसरों को किसी तरह से अपने पाँव पे खड़ा कर दूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो तमाम सरकारी अफसर हैं, और मैं रेगुलेट करना चाहता था इस चीज़ को कि अदालतें जो हैं वो अफसरों को एकदम बुला के डांट डपट के ज़रिए उनसे कोई बात ना उगलवाएं, क्योंकि जब भी कोई महकमा रिस्पॉन्डेंट होता है तो फिर महकमे की तरफ से जवाब जो उसके हेड की तरफ से जाता है, उसके दस्तखत होते हैं, लिहाजा कोई भी अफसर बगैर हेड से पूछे वहाँ अपने आप को, क्योंकि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो नहीं गया वो सुप्रीम कोर्ट में कि उसको वो थर्ड डिग्री मेथड सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करे और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उनको कहे इस बात का जवाब दो, इसका जवाब दो। तो मैं वो बिल्कुल रेगुलेट कर रहा था उन दिनों में, और उसको ताकि जो सरकारी अफसर हैं उनको खाम खाम मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराया जाए, बल्कि वो हर चीज़ जो है सिस्टमेटिकली इन राइटिंग वहाँ पर दें और कोर्ट के भी रिटन ऑर्डर्स को फॉलो करें, ज़बानी ऑर्डर्स को मत फॉलो करें। मैं एक रेजिस्टेंस चाहता था इस तरह का, लेकिन वो फिर ऐसा वक्त आया कि वो उस दिन वन फाइन डे वो नायक साहब जो उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया गया, और जैसे ही लॉ मिनिस्टर बने तो मुझे सदर साहब ने कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आपको अटॉर्नी जनरल करना चाहते हैं। तो दिल में मैं खुश भी था वैसे, क्योंकि हर वकील की ख्वाहिश होती है कि मैं भाई हाईएस्ट ऑफिस अटेन करूँ अपने प्रोफेशन का। तो मैंने फ़ौरन ही उनको कहा जी बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतना कॉन्फिडेंस पोस्ट किया, तो आपके बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद फिर मैं अटॉर्नी जनरल बन गया। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने करनी थी ये धरी की धरी रह गई। अच्छा, तो ये इस तरह से हुआ था। सर, आप कंसल्टेंट भी थे प्रेसिडेंट के लीगल अफेयर्स, वो कैसा ताल्लुक था? हाँ, वो एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था उनके साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ। और उसमें ये होता था कि प्रेसिडेंट को एक तो इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए होती थी लीगल, तो वो बहुत सारे जो मैटर्स होते थे कंसर्निंग द स्टेट वो मुझसे डिस्कस करते थे, मेरी राय लेते थे। दूसरी तरफ उनकी लॉ मिनिस्ट्री होती थी, तो लॉ मिनिस्ट्री से अलग लेते थे, तो फिर वो दोनों का मुवाजना करके फाइनली बहुत सारे डिसीजन जो हैं लॉ रिलेटेड जो हैं सदर साहब लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारी अपीलें आती हैं जो मुख्तलिफ जो मुतसब हैं, मसलन फेडरल ओम्बड्समैन है, टैक्स ओम्बड्समैन है, तो इस तरह से एक बैंकिंग ओम्बड्समैन, बहुत सारे ओम्बड्समैन जो है इनकी अपीलें सदर को, मसलन ये जो हरासमेंट फॉर वुमेन जो है एट वर्क प्लेस, इनकी जो मुतसब हैं उनकी अपीलें, ये तमाम अपीलें जो थी सदर के पास आती थी। अब सदर साहब जो हैं वो हर अपील को ख़ुद तो नहीं देखते थे ना, तो वो दस्तखत करने से पहले वो मेरे पास आती थी और फिर मैं उनको शिफ्ट करता था। और इन अ वे वो एडवाइज़र जो होता है सदर का, वो इन अ वे एपिलेट अथॉरिटी वही होता है, क्योंकि सदर के पास इतना टाइम नहीं होता। तो इस तरह के तमाम लीगल इश्यूज जो हैं वहाँ पर जो कि नेशनल लेवल के थे वो सारे, और ये डिसीजन मेकिंग जो है कि ओम्बड्समैन की जो अपीलें हैं उनके ख़िलाफ़ आती थी, तो वो सारी वो मेरे दायरा अख्तियार में थी। जी सर, आप अपेलेट अथॉरिटी भी थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जी मैं था, जी बिल्कुल था। सर, उसके क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं, और क्योंकि इतना किसी को वो मुझे आप देखें वो बड़ी पुरानी बात हो गई है, ये मेरा ख्याल है 2010 की बात है, 2010 की। जी हाँ, तो वो छः केसेस थे, हमारे छः क्रिकेटर्स थे जिसमें यूनुस खान थे, ये अफरीदी था, वो दो अकमल ब्रदर्स थे, शुएब ये था, शुएब मलिक था, तो जो टेनिस स्टार से जिनकी शादी हुई है शुएब मलिक, शुएब मलिक, तो इनके खिलाफ उन्होंने इजाज़ भट साहब ने एज चेयरमैन क्रिकेट कंट्रोल, एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, उन्होंने इनके खिलाफ़ फ़ैसले दिए थे, इनको फाइन्स इम्पोज़ किए थे, उसकी अपीलें मेरे पास आई थी, मैंने वो अपीलों को सुन के तो उस वक्त फ़ैसले किए थे, और मैंने उसमें
मसलन अफरीदी का मुझे याद है कि अफरीदी पे बॉल टेम्परिंग का था कि इन्होंने वो कोई बाइट किया और सारा किया, तो उस पे उनको जो मुझे याद पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट उनको सज़ा दे चुकी थी और वो उन्होंने मान भी लिया था और उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने ये नहीं किया, उनका किया था लेकिन मकसद ये नहीं था। तो इन एनी केस चूँकि उनको सज़ा हो चुकी थी तो एजाज भट्ट साहब ने जो उन पर जो मज़ीद जो फ़ाइन डाला था वो या मज़ीद उनको जो सज़ा दी थी वो मैं समझता हूँ गलत है, मैंने वो सेटिसाइड की थी। इसी तरह यूनुस खान के केस में भी मेरा ख्याल है कि वो मैंने वो सज़ा उन्होंने ताउम्र दे दी थी फॉरएवर, तो वो मैं समझता हूँ कि वो गलत था, फॉरएवर आप नहीं दे सकते, तो उनकी भी सज़ा हमने उतनी कर दी थी जितनी दूसरों की थी और यही हमने उसके केस में किया था शुएब मलिक के। तो इस तरह से ये फैसले किए थे। अब वो रेस्ट इज हिस्ट्री, मुझे अब ज़्यादा याद भी नहीं है। जी हाँ जी हाँ जी। अटॉर्नी जनरल को कैसा टाइम गुजरा? बड़ा चैलेंजिंग था, वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वो एक यूनिक पीरियड था पाकिस्तान हिस्ट्री का और मेरा ख्याल है कि किसी अटॉर्नी जनरल को उस किस्म के मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग टाइम से गुजरने का शायद कभी पहले मौका नहीं मिला था। क्योंकि एक वक्त तो ये था कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा के देखें तो अटॉर्नी जनरल तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करवाते होते थे, यानी वो बहुत सारे चीफ जस्टिस जो हैं वो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल के कहने पे अपॉइंट हुए और उसमें मैं नाम ख़ास तौर पे शरीफुद्दीन साहब का लूँगा कि जब वो अटॉर्नी जनरल थे तो सबको पता है कि उनका क्या क्लाउड था। हुकूमतें आती थी और हुकूमतें जाती थी, हुकूमतों को ख़त्म करना, नई हुकूमत को लाना, नया लीगल ऑर्डर बनाना और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस से इंतखाब करना, तो एक तरफ तो अटॉर्नी जनरल का ये रोल था जो कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था एक अटॉर्नी जनरल का, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल जो है वो जब कोर्ट हावी आया तो उसको इतना दबाया गया कि उसकी पर्सनैलिटी को तकरीबन मस्त करके रख दिया गया। तो किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल का एक इंडिपेंडेंट रोल होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी चीफ जस्टिस के सबॉर्डिनेट नहीं होता और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जो दो अहदे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच को हेड करते हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बार को हेड करते हैं, तो लिहाजा दे आर ऑलमोस्ट इक्वल्स। ये नहीं होता कि अगर आप रोस्ट्रम के दूसरी साइड पर खड़े हो गए हैं तो वो तो कई दफ़ा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी खड़ा किया, तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन उससे कम थोड़ी होती है। प्राइम मिनिस्टर इन एनी केस इज मच हायर और एटलीस्ट हायर देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अटॉर्नी जनरल की पैरेलल पोजीशन है और अटॉर्नी जनरल भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फंक्शन कर रहा होता है, तो अटॉर्नी जनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो ये है कि एक तरफ तो उसने अदालतों को ये बताना होता है, सुपीरियर कोर्ट्स को, कि आपके हदूद कयूद ये हैं, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, आप इसके अंदर रहिए, और दूसरी तरफ उसने सरकार को भी बताना होता है कि आप भी अदालत की डोमेन में ना आए। तो अटॉर्नी जनरल की एक बड़ी टाइट रोप वॉकिंग होती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिकेचर, और वो रोल मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और अटॉर्नी जनरल को वो रोल अदा करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने वो रोल अदा किया, तो मैं अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत था और मेरी कॉन्शियंस बड़ी क्लियर है और मैं समझता हूँ कि जिस हद तक हो सका मैंने वो रोल अदा किया। और जो मेरा आखिरी दिन था तो मुझे जब प्रेस वालों ने यही सवाल किया, मुझे याद नहीं है कि मुझे मतुल्ला जान ने किया था या कोई और प्रेस वाले थे, तो उन्होंने मुझे सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने क्या किया तो कैसा किया, तो फीलिंग्स क्या हैं। तो मैंने एक जुमले में सम अप कर दिया था, मैंने कहा जी रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बागे वफा में, ठीक है जी। तो मैंने यानी वफादारी की अपने उस मनसब से जो कि मुझे आईन के तहत करनी चाहिए थी, तो मैं उस पर बिल्कुल कायम रहा और मैंने उसमें कोई लचक जो है कोशिश की कि ना आने दूं और चीफ जस्टिस को बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि आप इस हद तक जा सकते हैं, इस हद तक नहीं। और बहुत कोशिश भी हुई मुझे अंडर प्रेशर करने की, मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे कंटेम्प्ट केसेस कराए गए और वो लगा देते थे और फिर मेरी अपॉइंटमेंट तक चैलेंज करा दी गई। और मुझे याद है जिस दिन मैं अटॉर्नी जनरल बना था पहले दिन मुझे ये एक बेंच था, ये केस लगा हुआ था गिलानी साहब का, ये नासिरुल मुल्क जो हैं जो हमारे आजकल के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर,
ये बेंच हेड कर रहे थे, तो पहले दिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी और मेरे, उनमें बहुत डिफरेंस था। मेरे कॉन्सेप्ट्स और थे, मैं कुछ और समझ रहा था, ये कुछ और समझ रहे थे। एवेंचुअली इनको मेरी बात माननी पड़ी, लेकिन बात मानने से पहले इन्होंने मुझे थ्रेट भी कर दिया, और इन्होंने कहा कि मुझे वो जुमले याद हैं कि मुझे नासिरुल मुल्क साहब कहने लगे कि डू यू नो योर रोल इन दिस केस, तो मैंने कहा यस सर आई सपोज आई नो माई रोल, तो उन्होंने कहा देर आर टू साइड्स, वन इज़ द डिफेंस एंड द डिफेंस लॉयर इज़ मिस्टर एतजाज एहसन एंड हिज एंडेवर वुड बी टू सीक द एक्विटल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिस केस, एंड एज अटर्नी जनरल यू आर द प्रोसिक्यूटर सो यू आर टू सीक कन्विक्शन। तो मैंने उनको कहा कि इज इट दैट द कोर्ट वॉन्ट्स कन्विक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वो एकदम उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसमें एक जज साहब कहने लगे कि मिस्टर इरफान कादर डोंट पुट वर्ड्स इन आर माउथ, तो मैंने कहा सर आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स इन योर ऑनर्स माउथ, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ कमिंग फ्रॉम योर ऑनर्स माउथ। तो उन्होंने कहा देन व्हाट डू यू से, मैंने कहा इट इज़ फॉर द अटर्नी जनरल टू डिसाइड वेदर टू प्रोसिक्यूट और नॉट, बिकॉज वेदर अ केस इज़ प्रोसिक्यूटेबल और नॉट इट इज़ फॉर द प्रोसिक्यूशन टू डिसाइड। तो उस पर उन्होंने कहा कि आई थिंक इफ़ यू आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स वी माइट हैव टू रिकन्सिडर योर अपॉइंटमेंट, तो मैं समझा कि अब ये अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट जो है उसको शायद ये रिकन्सिडर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर आई वॉज प्रोसिक्यूटर जनरल एंड आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पोजिशन, आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अगेंस्ट दैट जजमेंट, एंड प्रायर टू दैट आई वॉज अ हाई कोर्ट जज एंड आई वॉज रिमूव्ड एट दैट टाइम ऑल्सो, सो आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टाइम। तो उस पर फ़ौरन ही वो अपोलोजेटिक हो गए जज साहब, तो वो कहने लगे नहीं नहीं नॉट योर अपॉइंटमेंट एज अटर्नी जनरल बट योर अपॉइंटमेंट एज अ प्रोसिक्यूटर इन दिस केस। तो मैंने कहा कि सर यू कैन नॉट रिकन्सिडर माई अपॉइंटमेंट एज ए प्रोसिक्यूटर इन दिस केस, दैट इज़ नॉट विद इन योर पावर्स, यू कॉन्ट डू दैट। तो नासिरुल मुल्क साहब कहने लगे इवन वी कॉन्ट डू दैट, वी कैन नॉट रीविजिट योर अपॉइंटमेंट, एब्सोल्युटली नॉट सर, क्या कि वो जो जिस ऑर्डिनेंस के तहत आप ये प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अटर्नी जनरल इज़ अ पर्सोना डेजिग्नेटर टू कंडक्ट दीज प्रोसीडिंग्स एंड वंस ही स्टार्ट्स कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स देन नो कोर्ट नो चीफ जस्टिस कैन कॉज हिज रिमूवल। इस पे बेंच जो है वो उन्होंने कहा ओके वी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट और वी वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली और जुमे का दिन था प्रॉबेबली 40 मिनट के बाद वो वापस आए और उनको मेरी बात माननी पड़ी और मैं ही उस केस में प्रोसिक्यूटर रहा और मैंने उस केस में कह दिया कि गिलानी साहब की प्रोसिक्यूशन बनती ही नहीं और मैं अब भी उसको मेंटेन करता हूँ। और मैंने कुछ प्रोग्राम में ये भी कहा था कि वो जिस तरीके से सारा फैसला हुआ था और जिस तरीके से गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, आई एम ऑन रिकॉर्ड मैंने कई दफ़ा ये कहा है, मैं समझता मैंने वहाँ पर यह कहा था और अब भी कहता हूँ कि वो इतनी बड़ी गलती थी सुप्रीम कोर्ट की कि मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से गिलानी साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए और वो मैं आज भी कहता हूँ वो फैसला बिल्कुल गलत था। सर यू आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स नेटवर्क एंड आल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन अथॉरिटी। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आई हैव हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव हैड लॉट ऑफ इंटरेक्शंस विद द ऑलमोस्ट एंटी करप्शन एजेंसीज फ्रॉम द ग्लोब, जिसमें कि मैं बहुत से मुल्कों का सफ़र भी किया, बहुत सारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल्स हैं एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ के जो चेयरमैन हैं जो हेड्स हैं उनसे इंटरेक्शन रहा, उनसे मुलाकात रही और इस सारे सिलसिले में मुझे केप टाउन से ले के और अमेरिका तक जाना पड़ा और इन लोगों से बहुत इंटरेक्शन हुआ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और हमने अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए और म्यूचुअली हमने बिल्कुल बहुत बेनिफिट किया। और लेकिन ये इतना शकील सब्जेक्ट है कि ये आपके इंटरव्यू में मैं समझता हूँ कि आपकी इतनी यानी आपको मैं टैक्स नहीं करूंगा इस वक्त के उसके जो सटलटीज में चला जाऊं। जी 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 सर आपका लाइसेंस कैंसिल किया गया
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, सर क्या वजूहात थी? सबसे पहली बात यह है कि मेरा कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, मेरा कैंसिल कोई नहीं हुआ लाइसेंस। मेरा लाइसेंस एक जज है जवाद खाजा, उसने सस्पेंड किया था जी। और जिस दिन उसने सस्पेंड किया था उससे मुझे पहले अंदाज़ा हो गया था कि ये करेगा, मुझे टारगेट किया जा रहा था, मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा था। और मैंने 3 दिन पहले दरख्वास्त दे दी थी कि जज वो जवाद खाजा इस केस में ना बैठे, उसके बावजूद वो बैठा। और जवाद खाजा से मेरे बहुत सारे केसेस में डिफरेंस हुए थे। एक तो मैं उस वक्त एक केस कर रहा था ये नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली का, कि उस पर जब वो धरना हुआ था तो उस वक्त आर्मी चीफ जो है उन्होंने इंटरवीन किया था। उसमें इशू ये था कि आर्मी चीफ ने हुकूमत के कहने पे किया है या कि आर्मी चीफ ने उन्हें जोन किया। हुकूमत का मौक़फ़ था कि आर्मी चीफ ने उन्हें जोन किया, आर्मी चीफ का मौक़फ़ था नहीं, हुकूमत के कहने पे किया। तो वो केस ये था, अच्छा वो था पीटीआई की तरफ से केस हुआ था, मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसमें ये इशू राइज होता था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, अगर तो उनका बयानिया दुरुस्त नहीं है तो क्या वो सादिक और अमीन है कि नहीं है। तो वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी वो तकरीबन कोई 6-7 माह केस चलता रहा और जवाद खाजा जो है मुझे अवॉइड करता रहा कि मेरी आर्गुमेंट्स ना सुने। और इवेंचुअली उन्होंने जब वो फैसला दिया जिस तनाजर में दिया, वो बड़े उसके फैक्ट्स मुख्तसरन मैं आपको बता दूँ कि जब 5-6 माह मुझे ना सुना तो एक दिन मैंने उनको कहा जी मैं रोज़ आता हूँ और मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और केस लगता है और आप सारे केसेस सुनते हैं और इस केस को आप नहीं सुनते। तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि ये मैं क्वेटा में सुनूंगा, तो अब मैं क्वेटा में सुनूंगा, मैं क्वेटा जा रहा हूँ, मंडे को आप क्वेटा हैं। तो मुझे समझ आ गई कि ये क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं क्वेटा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं मेरा प्रिंसिपल सीट पर मैंने केस फाइल किया, जहाँ पर केस फाइल होता है वहीं पर केसेस सुने जाते हैं और मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं या ना जाएं, मैं वहाँ पे सुनूंगा। वो फाइल लेके क्वेटा चले गए, मैं क्वेटा नहीं गया। उन्होंने वहाँ पे इस केस में फुल बेंच को रेफ़र कर दिया मामला, 7 जजेस को। तो 7 जजेस को रेफ़र किया, वो 7 जजेस के पास केस लगा, मैं वहाँ अपीयर हुआ। वो जो प्रोसीडिंग्स हैं मेरा और जजेस का क्या सवाल जवाब हुआ वो मेरा ख्याल है बहुत सारे अखबारों में भी आई हैं। तो उसके बाद फैसला आ गया, उसके बाद मैं रिव्यू फाइल करने वाला था उस केस पे। जब वो फैसला आया हमारे ख़िलाफ़ तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट से उतर रहा था तो मुझे प्रेस ने पूछा कि इरफान कादिर साहब आपका इस फैसले के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा जी इस फैसले में जो इन्होंने जो मंतक दिया है वो इनके बहुत सारे दूसरे फैसलों से मुतसादम है, तो मैं रिव्यू फाइल करूँगा। तो जैसे ही मैंने कहा रिव्यू फाइल करूँगा तो उन्होंने उससे पहले मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया ताकि मैं रिव्यू ना फाइल कर सकूँ, क्योंकि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वही वकील कर सकता है जिसने के मेन केस में पैरवी की हो। तो वो रिव्यू को रास्ता रोकने के लिए ये किया गया, एक बात। दूसरी जो बदनीयती थी इसमें वो ये थी कि वो जो दूसरा केस था जिसमें ये सस्पेंशन हुई है उस केस में एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ मेरे सामने रखा गया कि जी आप ये बताएं इस केस में इसका जवाब दें। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा, मैंने कहा जी इसमें 12 हियरिंग्स हो चुकी हैं इस केस में और ये तो इशू कभी यहाँ अराइज ही नहीं किया। 12 हियरिंग्स में किसी ऑर्डर में ये बात नहीं है और अगर आप प्लीडिंग्स को भी इकट्ठा कर लें तो ये इशू नहीं है। तो आज आपने मुझे पहली दफ़ा सवाल किया है, ये अरबों रुपए का केस है तो लिहाजा मैं मुझे कुछ थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दें, मैं इस पर आपको एड्रेस करूँगा, लेकिन प्लीज़ ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें, लिख के फॉर्मुलेट करें। उन्होंने कहा नहीं आप अभी जवाब दें। मैंने कहा जी नहीं मैं नहीं दूंगा इस तरह जवाब, आप इसको लिख के फॉर्मुलेट करें। तो उन्होंने फिर चुनाचे आईजी को बुला लिया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, आईजी सिंध को, कि ये इरफान कादर को इंगेज कैसे किया है, इरफान कादर को फ़ीस कितनी दी है। फिर जब आईजी को भी नहीं कुछ कर सके उसका नुकसान तो फिर मुझे कहा आप बताएं आपने कितनी फ़ीस ली है। तो मैंने फिर उस पर कहा, मैंने कहा जी पाकिस्तान में पीछे 60-70 साल से कभी किसी जज ने कभी किसी सीनियर लॉयर को इस तरह से सवाल नहीं किए, बल्कि किसी भी लॉयर को इस तरह से सवाल नहीं किए या, और मुझे चूंकि ये आप सिंगल आउट कर रहे हैं और मैंने आपके खिलाफ़ दरख्वास्त भी दी हुई है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये केस मत सुने। तो उसके बाद उन्होंने फौरन कहा कि
ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जब हमने इरफान कादर से एक सवाल किया तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन ही रेज्ड हिज वॉइस. मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा और लिखा कि व्हेन वी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू आवर क्वेश्चन ही रेज्ड हिज वॉइस एंड सच अ बिहेवियर इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड रिलेशंस बिटवीन द बेंच एंड द बार एंड वी सस्पेंड हिज लाइसेंस. और मैं बहुत तारीफ करूंगा एतजाज़ अहसन की, उसी वक्त वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा आप इस तरह नहीं कर सकते. हालांकि एतजाज़ साहब का केस नहीं था ये, वो फिर भी खड़े हो गए और इंटरप्ट किया. उन्होंने कहा ये इस तरह बगैर नोटिस के कि आप किसी वकील की सस्पेंशन नहीं कर सकते. और जवाद ख्वाजा तो था कांप रहा था, उसकी गर्दन भी कांप रही थी, उसका सारा जिस्म कांप रहा था, लेकिन वो बदले की आग में उस वक्त पड़ा हुआ था कि बे इरफान कादर को मैंने एक सबक सिखाना है. तो वो चुनाचे उसने वो जवाद ख्वाजा ने ऑर्डर कर दिया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री. तो वो सस्पेंशन जो है अंडर द लॉ 3 माह के लिए हो सकती है अगर के कोई बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के खिलाफ लेना हो तो उसका मामला जो है बार काउंसिल को रेफ़र किया जाता है, पाकिस्तान बार काउंसिल को. तो मेरे में जो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की बात ही कोई नहीं थी तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन को तो कभी उन्होंने भेजा नहीं. तो लिहाजा एक्सट्रीम केस में भी मैंने बताया 3 माह से ज़्यादा सस्पेंशन नहीं रह सकती, लॉ में लिखा है. तो ये तो एक्सट्रीम केस भी नहीं था, तो ये तो सस्पेंशन तो ख़त्म हो गई है. लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो ये मौजूदा जजेस जो हैं ये शायद इतना ज़्यादा वो समझते हैं कि इरफान कादर आएगा तो पता नहीं ये क्या बात कर देंगे क्या. तो वो ये मुझे ये कहते हैं कि जी वो आपकी सस्पेंशन हुई थी. तो मैं कहता हूँ जी ये लॉ आ गया. उनका ये लॉ आप उस बेंच को बताएं जिस बेंच ने ये ऑर्डर किया जी. तो उस बेंच के पास केस लगता था, कई दफ़ा लगा जी. और वो हर दफ़ा उसको वो थोड़ा सा सुनते थे और फिर तारीखें. तो मेरा ख्याल है कुछ 6-8 साल और इस तरह गुजार देंगे. अभी 4 साल हो गए हैं. तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोग जो हैं मेरे पास आते हैं और मीडिया भी सारा आता है और इस सारी चीज़ के बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ मेरी जो एक रिकग्निशन है एज ए लीगल एक्सपर्ट, अल्लाह का शुक्र है कि वो मीडिया ने भी मुझ पर बहुत मेहरबान है, मीडिया और कुदरत भी मेहरबान है. तो मैं इस सारी चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जहाँ पे कि एक लॉयर जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दे या एक लॉयर जो है वो एक सबॉर्डिनेट बन जाए किसी जज का. ये मैं आपको बताऊँ, आपने भी कल को वकालत करनी है. लॉयर्स सबॉर्डिनेट नहीं है किसी जजेस के, हम इक्वल हैं. रोस्ट्रम के उस तरफ बैठना या रोस्ट्रम के इस तरफ बैठना, दोनों की इज्जतें सांझी हैं. लिहाजा ये जो जजेस में जो एक चंद लोगों में इस तरह की फीलिंग आ गई है कि वो सुपीरियर हैं, तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि कोई जज किसी लॉयर से सुपीरियर नहीं है. और अगर ऐसी बात होती तो फिर क्या कायदे आज़म जो थे वो जज थे, वो लॉयर थे? महात्मा गांधी जो थे वो जज थे या लॉयर थे? वो लॉयर थे. तो लॉयर्स जो हैं इन देयर ओन राइट उनका नाम जजों से बहुत ज़्यादा हुआ है. तो इसलिए मैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर मैं समझता हूँ कि ऐसे 1000 लाइसेंस जो हैं कुर्बान, हालांकि मेरा लाइसेंस जो है वो इंटेक्ट है, मेरे प्रैक्टिस पे कोई कदगन नहीं है, लेकिन मैं ये करोड़ों की प्रैक्टिस जो है वो इज़्ज़त की खातिर मैंने फ़िलहाल छोड़ी हुई है. लेकिन ये कब तक इस तरह करेंगे? आखिर इंशाल्लाह ये मकाफात अमल है और सब लोग जो हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं वो इंशाल्लाह कैफरे किरदार को पहुंचेंगे. सर आप लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे, वो कैसा आपका टेन्योर था? बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा टेन्योर था. और पहले मैं यहाँ वो 5 माह का था जी. तो उसमें मैंने कोई 1000 से ज़्यादा फैसले किए. और पहले मैं कुछ माह 2-3 माह लाहौर में रहा, फिर मैं 2 माह बहावलपुर बेंच पर चला गया और वहाँ पे वकला जो थे उनकी बड़ा तावन हासिल था, अच्छे लोग थे सारे, जजेस भी अच्छे थे. और मैं बड़ा फोकस्ड होकर फैसला किया, फैसले किए. और मुझे बाकायदा उस वक्त ये बिल्कुल इस चीज़ का एक सुकून था कि भई मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ और मैंने नेक नियति से फैसले करने हैं जो कि किए, और बहुत फैसले किए. और बावजूद के हमारी अपॉइंटमेंट जो थी उस इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो गैर कानूनी करार दे दी, लेकिन उसके बावजूद हमारे फैसले गैर कानूनी नहीं करार दिए. उनको पता था कि फैसलों की जो क्वालिटी है वो क्या है.
तो वो हमारी वजात खुद एक बड़ी विंडिकेशन है कि और वो फैसला जो हमारे ख़िलाफ़ किया गया था वो मैंने उसको कभी नहीं माना, इसलिए नहीं कि हमारे ख़िलाफ़ किया गया था, इसलिए कि वो विक्टिमाइज उन जजेस को किया गया था जो कि इनका ख्याल था कि दूसरे मसलक से हैं, ये बात थी। सर आपने पीसीओ पे हलफ उठाया, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े? मैंने कभी पीसीओ पे हलफ नहीं उठाया, आपके फैक्ट्स सही नहीं हैं, मैंने कभी पीसीओ पे हलफ नहीं उठाया और इफ्तिखार चौधरी ने पीसीओ पे हलफ उठाया और तमाम जजेस ने जिन्होंने हमें निकाला उन्होंने पीसीओ पे हलफ उठाया और पीसीओ जजेस ने नॉन पीसीओ जजेस को निकाल दिया और ये सारे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था और उस वक्त लॉयर मूवमेंट जो इतनी आगे चली गई थी कि अगर कोई कहता भी था तो उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी भी पीसीओ जज था, जवाद ख्वाजा भी पीसीओ जज था, ये जो मौजूदा साकिब निसार है ये भी पीसीओ जज है और वो तमाम जजेस जो उस वक्त बेंच में थे वो सारे पीसीओ थे। मैंने कभी पीसीओ में ओथ नहीं उठाया था और अगर मैंने उठा लिया होता पीसीओ में ओथ तो मैं कभी इस तरह का फैसला भी ना देता, फिर मैं पीसीओ को ओन करता इनकी तरह नहीं कि ये दोगले ऑर्डर्स इन्होंने किए हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी की साख और पाकिस्तान में जुडिशल प्रेसिडेंट्स की साख उनको तबाह करके रखती है। पाकिस्तान के जुडिशल प्रेसिडेंट्स जो है ना वो जुडिशल अब नहीं रहे, वो क्योटिक प्रेसिडेंट्स हैं, यानी वहाँ पे कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड्स वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। इतना बेड़ागर किया इन्होंने जुडिशल का और उसी वजह से मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो बेचारा सारा दिन उसको कभी अस्पतालों में भागना पड़ता है, कभी वो गिलगित बल्तिस्तान में भी कल मैंने देखा वो नाच कर रहा था, वो गिलगित बल्तिस्तान में वो नाच रहा है वो चोगा पहन के, हालांकि उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा है कि वो पब्लिसिटी सीख नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह की बहुत सारी पब्लिसिटी वो डेली बेसिस पे सीख कर रहा है और वो कह रहा है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अब डैम्स बनाऊंगा और मैं ये करूंगा और मैं फलाना करूंगा और इतनी ह्यूज पेंशन जो जजेस ने अपनी कर ली हैं वो भी इन्होंने खुद ही कर ली हैं। तो ये जो है ना, वैसे तो वो समझते हैं कि ये लीगली हुआ है, पहली बात तो ये लीगली हुआ नहीं और अगर लीगली भी थेफ्ट हुई है तो थेफ्ट वेदर लीगल थेफ्ट और अदरवाइज थेफ्ट इज अ थेफ्ट। जी सर, ये जो जुलाई 31 2009 की सुप्रीम कोर्ट की, हाँ जी, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन में था कि वो किसी हाई कोर्ट के जज को डिसमिस करते? नहीं ना, ये तो इशू ही नहीं था भाई। जजेस जो हैं उनको तो सदर पाकिस्तान अपॉइंट करते हैं और सदर पाकिस्तान उनको निकाल सकते हैं, तो ये तो जजेस जो थे ये सारे इन्होंने कैसे निकाल दिया? ये तो निकाल, बल्कि ये तो खुद निकाले गए हुए थे। इससे पहले तो वो जजमेंट आई थी टिका इकबाल केस की जिसमें कहा गया था कि ये सारे जजेस जो हैं दे हैव सीज्ड टू बी जजेस, तो टिका इकबाल केस के खिलाफ तो उसको तो ख़त्म ही नहीं किया गया, वो इंटैक्ट थी। तो टिका इकबाल केस के होते हुए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैसे बहाल हो गए? इफ्तिखार चौधरी की बहाली गलत थी, उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये गलत थी, तो ये तो सारी तनख्वाहें इन जजेस से पिछले 10 साल की लेनी पड़ेंगी किसी वक्त। जब कभी भी पाकिस्तान में कोई नई पार्लियामेंट आई और कानून साजी हुई तो ये तो सारे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे उसके बाद। जी सर, कोई मैसेज आप देना चाहें यंग लॉयर्स को या लॉ स्टूडेंट्स को? जी, मेरा यंग लॉयर्स को यही मैसेज है कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में आप बिल्कुल आएँ और यहाँ अच्छे यंगस्टर्स की ज़रूरत है प्रोफेशन में और यहाँ पे बहुत मौके हैं उनके लिए फॉर द फ्यूचर। एक तो ये है कि अगर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं तो उसमें बहुत तरक्की है और प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पे आप जज बन सकते हैं, आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के इदारे हैं जहाँ पे कि लीगल एडवाइजरीज हैं वो भी आप कर सकते हैं और फिर फ्रीलांस काम आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं लॉ में। और अब फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी क्रीम आ रही है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोशिश ये की जाएगी कि जो अच्छे जो आ रहे हैं प्रोफेशन में उनको भगाया जाए, उनको डिस्करेज किया जाए। बड़ा मुश्किल किया जा रहा है हाईकोर्ट की इनरोलमेंट, मुश्किल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट, इसको आसान करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो यंगस्टर है बहुत सारे जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है हमारे अक्सर जजेस से, खा वो हाई कोर्ट में हो खा वो सुप्रीम कोर्ट में हो, ये यंगस्टर्स इतने अच्छे हैं और ख़ास तौर पे जो बाहर से पढ़ के हैं और जो पाकिस्तान के पढ़े हुए हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं और उनको अब रोका जा रहा है उन लोगों ने जिन्होंने के इस प्रोफेशन पे अपनी मोनोपली कायम कर ली है और जो कि अपना लेवल उनका इतना नहीं है
तो वो चाहते हैं कि अच्छे जो लोग हैं उनको कोई क्वेश्चन ना कर सके और वो अपने उनकी जो एक किस्म की जो इजारादारी है जो हेजमनी है वो प्रोफेशन पे कायम रहे तो वो नहीं रख सकेंगे कायम। ये मैं आपको बता दूं, जो अच्छे यंगस्टर्स हैं वो ऊपर आएंगे और इस तरह की रुकावटें जो हैं वो डेफिनेटली अबूर करेंगे और ये इस सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आइंदा जो प्रोफेशन लॉ का है यहाँ पे इससे बहुत बेहतर लोग आएंगे, कोर्ट्स का कम्प्लेक्शन इससे बहुत बेहतर होगा क्योंकि जो तनजली अदालतों की इस वक्त हो चुकी है इससे मज़ीद तनजली अब पॉसिबल नहीं है, अब बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।